हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कर्व। लर्न टुडे फॉर बेटर टुमोरो। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अपना वधिया प्रिपेयर कर रहे होगे तुसी पटवारी दे एग्जाम दे वास्ते, है ना। पढ़ाई तुहाडी वधिया चल रही होएगी ते तुसी सारे ठीक भी होगे। लास्ट टाइम आपां कर रहे सी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दे आपां आर्टिकल्स ए ते एन आपां कवर कर लिया सी ते आर्टिकल द आपां कर रहे सीगे। द आर्टिकल दे विच तुहानू मैं एक फस्ट रूल करवा दिता सी ते कुछ द आर्टिकल्स दे नाल तुहानू मैं दस्सिया सीगा भी किहदे किहदे नाल द यूज़ हुंदा है, किहड़े किहड़े नाउन नाल, किहड़ी किहड़े मतलब लाइक नेम ऑफ आइलैंड वगैरह जिहड़े दित्ते हुंदे उन्हां सारे दे नाल द आर्टिकल दा यूज़ हुंदा है। ते तुहानू मैं एक क्वेश्चन दित्ता सीगा लास्ट वीडियो दे विच कि तुसीं करो करना है। सुनील इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, आ क्वेश्चन सीगा। इस तो पहला मैं तुहानू एक रूल करवाया सीगा कि जदों भी सुपरलेटिव डिग्री दिती होवे, सुपरलेटिव डिग्री जिहड़ी एडजेक्टिव रूप दे विच दिती होवे, मतलब नाउन नूं नाउन दी विशेषता दस रही होवे, कोई भी नाउन लगा होवे, ठीक है, उस रूप दे विच दिती होवे, तां उह सुपरलेटिव डिग्री तो पहला जिहड़ा आर्टिकल यूज़ होना है, उह अपना किहड़ा आर्टिकल यूज़ होना है, द आर्टिकल दा यूज़ होना है, ठीक है। सुनील इज़ बिल्कुल सही सीगा, आ बेस्ट स्टूडेंट नहीं, इत्थे की आना चाहीदा सी द बेस्ट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मैं तुहानू दस्या सीगा कि जिहड़ी अपनी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है, जिहड़ी अपनी सुपरलेटिव डिग्री होएगी, सुपरलेटिव डिग्री दे नाउन तो पहला सुपरलेटिव डिग्री होंदी है, ते डिग्री तो पहला जिहड़ा आर्टिकल यूज़ होना है उह किहड़ा यूज़ होना है, द आर्टिकल यूज़ होना है, ना कि ए आर्टिकल यूज़ होना है, ठीक है। इह क्वेश्चन तुहानू दित्ता सीगा, काफ़ी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही सीगे। हुण आपां करदे हां नैक्सट कि द आर्टिकल कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा, ठीक है। देखो, जदों भी किसी भी कंपैरेटिव डिग्री तो बाद, उन्हें मैं पहला तुहानूं ही इज़ बैटर दैन यू, एंड नैक्सट सेंटेंस है अपना ही इज़ सीनियर टू मी। हुण देखो, जदों भी अपना नूं कंपैरेटिव डिग्री दित्ती होवे, कंपैरेटिव डिग्री उह हुंदी है जिहड़ी सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुंदी है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरिजन करदी है, जिवें ही इज़ बैटर ते ही इज़ सीनियर, ठीक है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जदों भी लगी होवे ते कंपैरेटिव डिग्री तो, ये अपना नैक्सट रूल है, ठीक है, नैक्सट रूल है ये अपना, कंपैरेटिव डिग्री तो बाद या अगर दैन दा यूज़ होवे ते टू दा यूज़ होवे, ठीक है। जदों भी दैन या टू दा यूज़ होवे तां उत्थे अगे दा यूज़ नहीं हुंदा, ठीक है। कई बार इत्थे सेंटेंस दे विच दित्ता हुंदा ही इज़ द सीनियर टू मी, ठीक है, कई बार दित्ता हुंदा इत्थे ही इज़ द सीनियर टू मी। कंपैरेटिव डिग्री तो पहला आर्टिकल दा यूज़ नहीं हुंदा, ठीक है, इवन कि किसी भी आर्टिकल दा यूज़ नहीं हुंदा, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ बैटर दैन यू, ओके। मतलब इत्थे दा बैटर नहीं आना सी, दा सीनियर नहीं आना सी, आही सेंटेंस साडा ग्रामेटिकली करैक्ट है। हुण आपां चलदे हां नैक्सट ते। हुण इसी चीज़ ते जिहदे ते तुहानूं मैं दस्सिया कि कंपैरेटिव डिग्री तो पहलां दा आर्टिकल दा यूज़ नहीं हुंदा, उह क्वेश्चन वी साडा बैंक वी उहदे विच आया होया है, तुसीं क्वेश्चन देखो। वाला क्वेश्चन है द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर आस्क मी इफ, द इंटरव्यूअर आस्क मी इफ, नेक्स्ट है इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द greater than any other poet. Then next ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ no error. Okay, ਆਪਾਂ error find out ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ error ਕਿੱਥੇ, the interviewer asked me, ਇਹ clause ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ error ਨਹੀਂ ਹੈ। if I knew that, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
कालिदास वॉज द ग्रेटर। हुण तुसीं देखो इस सेंटेंस दे विच जिहड़ी ग्रेटर डिग्री है, ग्रेटर है जो भी, वह की है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, जिहदे पिछे ई आर ओ आर वगैरह लगा हुंदा है, वह की हुंदियां ने कंपैरेटिव डिग्रीज हुंदियां ने। कंपैरेटिव डिग्री जिहड़ी आपां नूं दित्ती है, मैं तुहानूं हुणे ही दस्सिया कि कंपैरेटिव डिग्री तो पहला द आर्टिकल का यूज़ नहीं होना, तो फिर इत्थे द ही एरर सी, इत्थे द आर्टिकल यूज़ नहीं होना, तो सी क्लोज दे विच साडी एरर सीगी, ठीक है, क्लीयर है। इदां आंदे है क्वेश्चन एग्जाम दे विच। नैक्सट चलते हैं आपां। हुण आही जिहड़ा रूल है जिहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया कि कंपैरेटिव डिग्री तो पहला द आर्टिकल का यूज़ नहीं हुंदा, ठीक है, आपां रूल केड़ा कीता है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इहदे तो पहला जिहड़ा द दा यूज़ नहीं हुंदा, आही कीता आपां। पर जदों आपां नूं एवें दित्ता होवे कि किसी भी सेंटेंस दे विच द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, मतलब सेंटेंस दे विच एवें दिखाया गया होवे कंपैरेटिव डिग्री तो बाद ऑफ द टू यूज़ होवे या फिर कुछ भी यूज़ होवे अगे, मतलब एवें दा सेंटेंस दिता होवे, तो उत्थे अगर द दा यूज़ होया तो वह बिल्कुल सही है। तुहानूं मैं एग्जाम्पल दिन्नी हाँ, ही इज़ द बैटर ऑफ द टू बॉयज, मतलब वो दोनों बॉयज़ दे विचों वो बैटर है, ठीक है, तो फिर इत्थे बैटर तो पहला कंपैरेटिव डिग्री तो पहला तुसीं ये देखो कि अपना की यूज़ होया, द यूज़ होया, इत्थे द दा यूज़ बिल्कुल सही है। पर अगर सिर्फ एवें दिता होवे ही इज़ द बैटर टू मी, अगर एवें दिता होवे तो उत्थे आ जिहड़ा दा बिल्कुल गलत है जो कि आपां पहला कीता सी, ठीक है, क्लीयर है स्टूडेंट्स। हुण आपां चलते हाँ नैक्सट ते। नैक्सट नेक्स्ट रूल है आपां नूं किसी भी सेंटेंस दे विच द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर कोमा फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट ते वर्ब दित्ती होवे नाल तो उत्थे इत्थे दा दा यूज़ हुंदा है, ठीक है, जदों एग्जाम्पल दूंगी क्लीयर हो जाएगा। जिवें दो इक्वल चीज़ां दी डेवलपमेंट या फिर किसी दो इक्वल चीज़ां दी ह्यूमर लैवल नूं दसना होवे उत्थे ये चीज़ां दा यूज़ हुंदा है। जिवें हुण तुसीं देखो द मोर ही गैट्स कोमा मोर ही वॉन्ट्स, कहिंदा द मोर ही गैट्स मोर ही वॉन्ट्स, मतलब उन्हूं जिन्ना उन्हूं मिलता है उस तो ज़्यादा उन्हूं पाने की इच्छा रखता है, ठीक है, एवें है ना, द मोर ही गैट्स मोर ही वॉन्ट्स। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ मोर जो कि अपना कंपैरिजन दस रहा है प्लस सबजैक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, लगा होया है। पर नैक्सट क्लोज दे विच भी ये इक्को ही है सेंटेंस, अपना पहली क्लोज आ है नैक्सट जो सेंटेंस कॉमे तो बाद है उत्थे भी कंपैरेटिव डिग्री तो पहला की यूज़ होना है दा दा यूज़ होना है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। देखो इस सेंटेंस दे विच एरर कित्थे आऊगी, द मोर ही गैट्स इत्थे भी की आना है द मोर ही वॉन्ट्स, ओके स्टूडेंट्स क्लीयर है, द मोर ही गैट्स द मोर ही वॉन्ट्स। हुण इस चीज़ के उत्ते भी क्वेश्चन आया होया एग्जाम दे विच, क्वेश्चन किवें आया होया है अपन नीचे लिख लेने क्वेश्चन। इन इन आ
माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। हुण तुसीं देखो इत्थे एरर कित्थे, इसे बिल्कुल रूल नूं लैके सेम इहदे उत्ते क्वेश्चन आया होया एग्जाम दे विच, ठीक है। कहिंदा हुण माउंटेन्स दे वाले रीजन दे विच की हुंदा है, जिदा जिदा तुसीं उपर जांदे जांदे हो बेस तो मतलब उपर जांदे हो, ठीक है, तां फिर उधर की तुसीं कोल्डर फील करना शुरू कर देंदे हो, ठीक है। हायर यू गो फ्रॉम, देखो इन आ माउंटेनियर एक्सपेंडिशन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ सेंटेंस दे विच, ठीक है। हायर यू गो फ्रॉम द बेस, हायर यू, तुसी देखो हायर, सब तो पहले तुसी इत्थे देख लेना है कि कंपैरेटिव डिग्री लगी, कंपैरेटिव डिग्री तो पहला यूज कादा होना है, दादा यूज होना है। देखो कंपैरेटिव डिग्री तो पहला दादा यूज होना सी, इत्थे की आना चाहिए सी द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, मतलब इत्थे हायर तो पहला कादा यूज होना चाहिए सी, दादा यूज होना चाहिए सी, जो कि नहीं होया होया सी, ठीक है। फिर एरर कित्थे सी अपनी, बी पार्ट दे विच एरर सी, ठीक है। स्टूडेंट्स तुसी नोट्स बना लो, तो जिमें मैं क्रॉस करके लिखती हाँ किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो नाले इतने दा दा स्पैशली यूज़ किया, तो मैं इस चीज़ को सर्कल किया, तुम भी इस चीज़ को सर्कल कराया करो, क्योंकि तुम्हें बाद में याद दवा देता भी कितने कितने गलती सी, कितने गलती नहीं सी। क्लीयर है इस चीज़ का, इस चीज़ बारे कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिता हो, कंपैरेटिव डिग्री तो पहला की आना है द आर्टिकल का यूज होना है, नैक्सट फिर एवं दिता हो, जिमें द मोर ही गैट्स द मोर ही वॉन्ट्स द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक है, क्लियर है। एक होर क्वेश्चन है इसी चीज़ के उत्ते ही, तो अपना क्वेश्चन की है द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड कोमा हायर द प्राइस। हुण तां रूल बिल्कुल वधिया तरीके नाल समझ आ गया होया, इन्हें चार ऑप्शन आई हुई एग्जाम दे विच, जिवें एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया उवें ही मैं तुहाडे सामने लिख दिता है, ठीक है। एग्जाम से क्वेश्चन कि तो बाहरों नहीं आते, उ रूल्स तो आते हैं जो आप करते हैं, ठीक है। बस ये है कि ध्यान होना चाहिए, जो क्वेश्चन मिक्स होकर आते उदो सू पता नहीं लगता कि एरर कितने है। देखो हूँ की आना चाहिए सी द ग्रेटर द डिमांड, हूँ ही कराया कि जो कंपैरेटिव डिग्री हो तो पहले की आना चाहिए द आर्टिकल यूज होना चाहिए, तो इतने द हायर आना चाहिए सी, द हाई भी ऑप्शन च है, द हाई भी ऑप्शन विच है, तो द हायर, तो अपन पता ही अपनी सही ऑप्शन की है, है ना, द हायर आना चाहिए सी, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। सिंपल जे रूल ते भी क्वेश्चन किन्ने बन जाते हैं, सो इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। नैक्सट आप चलते हैं अपने रूल ते, कि नैक्सट रूल ते कि द होर कितने यूज होंदा, कोई भी ओर्डिनल दिता होवे, ओर्डिनल किनू कहिंदे है, ओर्डिनल्स की होंदे है स्टूडेंट्स, ओर्डिनल दिता होवे कोई भी, ओर्डिनल्स केड़े होंदे है, जिवें फर्स्ट, ओर्डिनल्स केड़े होंदे है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, आप एवें लिखते हैं ना, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, हुण कोई भी ओर्डिनल दिता होवे फर्स्ट सैकेंड थर्ड, उहदे तो पहला दा दा यूज होना है, ठीक है, ठीक है। इन्हां तो पहला कादा यूज होना है, दा दा यूज होना है। हुण क्वेश्चन आएगा हु इज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एवें दे क्वेश्चन आते हैं ना, देख लो ओर्डिनल तो पहला दा दा यूज होया होया है, ठीक है, क्लीयर है। हुण तुसी कोई भी क्वेश्चन आवे उहदे विच देखना है
ओर्डिनल अगर लगा होया कोई भी क्वेश्चन दे विच फर्स्ट सेकंड या थर्ड यूज होया होया उन्दे तो पहले तुसी ये जरूर चेक करना कि द आर्टिकल लगा होया कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो उस पार्ट दे विच एरर है या फिर फिलअप आया तो उत्थे लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट आपां चलते हाँ। दादा यूज होर कितने होंगे नेक्स्ट है नाउन ऑफ नाउन, मतलब अगर एवें दिता हो नाउन ऑफ नाउन किसी भी सेंटेंस दे विच एवें दी कंडीशन बन रही हो जिथे नाउन प्लस ऑफ नाउन दिता हो फर्स्ट नाउन तो पहला कादा यूज़ होना है, दादा यूज़ होना है। ये चीज़ तुसी हमेशा देखनी है। ठीक है, मैं तुहानू एग्जाम्पल करवानी उन्हें तो तुहानू ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल है अपनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट आर वेरी नॉटी। देखो इस सेंटेंस दे विच लग भी नहीं रहा कि कितने एरर होएगी, पता ही नहीं लगना है ना, पर जदों आप रूल पढ़े होएगा फिर आपनूं पता लग जाएगा। स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, देखो स्टूडेंट्स इतने नाउन ऑफ नाउन आ गया कि नहीं आ रहा, नाउन ऑफ नाउन आ गया ना, स्टूडेंट्स ते क्लास। ठीक है, तुहानू मैं की दस्या पहले नाउन तो पहला कादा यूज़ होना है, दादा यूज़ होना है, तो फिर इतने कादा यूज़ होना चाहिए सी, दादा यूज़ होना चाहिए सी। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर वेरी नोटी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी नोटी। क्लीयर है स्टूडेंट्स? हुण इस चीज़ के उत्ते भी एक क्वेश्चन आया होया, हुण तुसी देखो। देखिए आपां एक सिंपल जी चैप्टर आर्टिकल दे विच भी किन्नियां ज़्यादा वधिया चीज़ां सीखन नूं मिल रही हैं जिहड़ियां कि सानूं पता भी नहीं है कि कित्थे कित्थे यूज़ होने हैं ते कित्थे नहीं होने, है ना। नैक्सट चलते हैं आपां, क्वेश्चन जिहड़ा एग्जाम दे विच आया इस चीज़ दे उत्ते, द टीचर ड्यू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज to the importance of regular practice। हुण देखो एरर कित्थे है, द टीचर ड्यू अटेंशन ऑफ द बॉयज, हुण आपां कर की रहे हैं नाउन ऑफ द नाउन अटेंशन ऑफ द बॉयज, दूसरे नाउन तो पहला दा लगे या नहीं लगा ये अपनी कोई हेडेक नहीं है, पर फर्स्ट नाउन तो पहला दा दा यूज़ होना चाहिए। फर्स्ट नाउन तो पहला दा दा यूज़ होया थे नहीं, अटेंशन तो पहला एन दा यूज़ होया होया है, दा दा यूज़ नहीं होया, तो फिर एन नू कट के आपां की लगाना है दा, इत्थे की आना चाहिए सी, द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। क्लीयर है स्टूडेंट्स? एवें आते क्वेश्चन होंगे सिंपल ही है पर सानू समझ नहीं लगते कि एरर कित्थे है ते गलती कित्थे हो रही है, मतलब कई बार तो सेंटेंस पढ़ के भी पता नहीं लगता उदी सेंटेंस है ना, उदी मतलब समझ नहीं लगती भी कित्थे एरर है ना। हुण आपां ये तो देख लिया कि दा दा यूज़ कित्थे होना है कि है ना, ये तो सब देख लिया, पर आपां हुण ये भी देखांगे कि दा दा यूज़ कित्थे नहीं हुंदा। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार अनयूजली मतलब जिथे यूज़ नहीं भी होता उत्थे भी स्टूडेंट्स दा लगा देंगे, अपनी राइटिंग स्किल्स दे विच भी प्रॉब्लम है ना, कितने भी आप दा दा यूज़ कर लें, कोई भी सेंटेंस होंगे जिन्हों भी आप दा तो यूज़ शुरू कर लें, हुण आप देखना है कि वह कितने कितने ओमिशन है, कितने कितने ये आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे तो दा आर्टिकल कितने कितने यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, आपां सब तो पहला ये वेख लिया कि आर्टिकल कित्थे कित्थे यूज़ होंदे, हुण आपां ये वेखना कि आर्टिकल्स कित्थे कित्थे यूज़ नहीं होंदे। इस ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ते भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सो इस चीज़ नूं भी ध्यान नाल वेखना आपां, हुण आपां पढ़ रहे हैं
अपना फर्स्ट है कि किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट का नेम दिता हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का नेम दिता हो, कोई भी लैंग्वेज का नेम दिता हो, कोई भी गेम या फिर स्पोर्ट का नेम दिता हो, कोई भी स्पोर्ट है ना, जो भी ठीक है दिता हो स्पोर्ट्स, ठीक है, उत्थे दा आर्टिकल का यूज नहीं होंदा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होंदा। इनफैक्ट लाइक, ठीक है, लाइक ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री सब्जेक्ट का नेम है, हिस्ट्री की है किसी भी सब्जेक्ट का नेम, मतलब नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट दिता हो, नेम ऑफ लैंग्वेज दिता हो, नेम ऑफ गेम या फिर किसी भी स्पोर्ट का नेम दिता हो, उस चीज़ के अगे कि कदा यूज़ नहीं होंदा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होंदा स्टूडेंट्स, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होंदा। ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री नहीं आएगा, ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके, सिंपल लिखांगे, शी कैन स्पीक हिंदी, शी कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। ये नहीं बोल लिखांगे शी कैन ही स्पीक द हिंदी, द इंग्लिश एंड द पंजाबी, ठीक है। देखो मैं इनफैक्ट किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, ए एंड एन का भी यूज़ नहीं होया हो इस सेंटेंस दे विच, ठीक है। हुन क्लियर है आ चीज, आप चलते हैं नैक्सट ते। किसी भी आर्टिकल दे विच, सेंटेंस दे विच, किसी भी सेंटेंस दे विच काइंड ऑफ, रैंक ऑफ, ठीक है, किसी भी सेंटेंस दे विच काइंड ऑफ, रैंक ऑफ, सॉर्ट ऑफ या फिर होर भी काफ़ी ने, वैरायटी ऑफ, टाइटल ऑफ, अलॉट ऑफ, इन्हां सारियां चीज़ां का यूज़ होया होवे, ठीक है, इन्हां सारियां चीज़ां का जे यूज़ होया होवे, इन्हां तो बाद कोई भी नाउन दिता हुंदा है, कुछ भी दिता होवे, नाउन दिता होवे, वर्ब दिते होवे, उस तो बाद जिहड़ा आर्टिकल का यूज़ है वह नहीं होएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होएगा। लाइक तुहानू एक क्वेश्चन इसे इस हफ्ते जी तुसी मॉक टेस्ट दिता सी लास्ट लास्ट वीक, कोई एक क्वेश्चन दिते सी आर्टिकल दे विच, तुसी वेखिया होना है, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एन एस पी, जे तो स्टूडेंट्स तुसी टेस्ट दिता सी, ठीक है, तुहानू पता होएगा ये क्वेश्चन आया होया सीगा, इहदे विच आपां एवें करके कुछ एरर फाइंड आउट करनी सी भी एरर केड़े पार्ट विच है, ए पार्ट विच है, बी पार्ट विच है, सी पार्ट विच है या डी पार्ट विच है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिहड़ी एरर सी वो इत्थे सी, देखो रैंक ऑफ तो बाद कोई भी, तुहानू मैं दस्सिया कुछ भी दिता होवे, नाउन दिता होवे, कुछ भी नेम दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, उस तो बाद रैंक ऑफ तो बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होना, तो फिर इतने एन का यूज़ होया हो सी, वो बिल्कुल गलत सीगा, एन का यूज़ नहीं होना, ठीक है, इतने सिंपल ही आना सीगा, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एस पी, सिंपल आना एस पी, ठीक है, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होना, तो फिर एरर जी सी इतने सी, ठीक है, डी पार्ट के एरर सी अपनी, क्लीयर है। हुण नैक्सट देखो, एक होर एरर आ जाती है, a lot of the money have been spent, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, a lot of the money, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ a lot of ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। a lot of money has been ਆਣਾ, have been ਨਹੀਂ has been, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, क्लीयर है। हुण आपां लास्ट देखते हैं अपना,
किसी भी सेंटेंस दे विच मैन वूमैन यूज किया हो। ठीक है, अगला रूल है अपना, किसी भी सेंटेंस दे विच आ जड़ी वर्ड यूज किते होन तुसी नोट कर लेना अपने नोट्स दे विच। ठीक है, मैन वूमैन लाइफ डेथ। ठीक है, होर भी मैं तुहानू दसदी हाँ, साइंस आर्ट एंड नेचर। ओके, इन सारे वर्ड्स तो पहला आर्टिकल्स का यूज नहीं होंदा, इन सारे वर्ड्स तो पहला आर्टिकल्स का यूज नहीं होंदा। ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होंदा। कई बार आप राइटिंग स्किल दे विच कई बार आपां नूं ऐसे राइटिंग वगैरह आ जाती है ना, आप जिथे मर्जी किसी भी आर्टिकल का यूज़ लगा दें, उ आप देखना है कि कितने कितने आर्टिकल का यूज़ नहीं होंदा। लाइक मैन इज़ मॉर्टल, ना कि द मैन इज़ मॉर्टल, सिंपल आंदा द मैन इज़ मॉर्टल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कई बार आ जाता है द वूमेन इज मैनस मेट, एवें सेंटेंस लिखा होंगे द वूमेन इज मैनस मेट। हमने तुम्हें मैं दसी है कि वूमेन किसी भी सेंटेंस के आ जाए उस तो पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? एक होर क्वेश्चन करा रही हूँ, वैसे तो कोट है बहुत ज़्यादा वधिया। ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक पी ओ आया हो, देखने आप क्वेश्चन आ मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग। ठीक है, मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हेयर येट हाउ ही इरेशनली रिमेन्स येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजेशंस। आ क्वेश्चन आया हुआ है, एरर तो तुहानू पता लग ही गई होएगी। सब तो पहला तो आपां ना एरर लभण तो पहला इस लाइन का मीनिंग वेखदे हाँ। द मैन इज़ मॉर्टल, कहिंदा एक जिहड़ा इंसान है वह मिट्टी का पुतला है एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर, उन्हें सब कुछ इत्थे छड्ड के जाना पैंदा इस संसार दे विच। येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच टू द वर्ल्डली पोजैशन, कहिंदा फिर भी वह संसारिक चीज़ों के पिछे इस तरह अटैच होया कि उन्होंने पिछे भजदा ही रहिंदा है ना। आ सेंटेंस का मीनिंग है, कितना वधिया सेंटेंस है ना। द मैन इज़ मॉर्टल, सब तो पहला मैं तुहानू दस दिता है कि मैन वूमेन लाइफ डैथ साइंस आर्ट नेचर, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है इन्हें तो उन्हें तो पहला आर्टिकल का यूज नहीं होंदा। ठीक है, फिर इतने शुरू की होना चाहिए सी मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हेयर येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच टू हिज वर्ल्डली पोजैशन। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? किद्दा क्वेश्चन आते एग्जाम दे विच, तो ए सी अपना आर्टिकल सारे हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सारे रूल्स आप कर चुके हैं, बिल्कुल कवर हो चुके हैं पूरा आर्टिकल। हुण मैं कुछ क्वेश्चंस देनी हाँ जिहड़े तुसी करने हैं।
तीन चार क्वेश्चंस दे रही हाँ जो तुम ट्राई करके मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आर्टिकल चैप्टर तुम पूरा समझ आया कि नहीं। ठीक है, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, एक तो तुसी इंदे विचो एरर लभनी है। पार्ट एरर है, बी चैरर है या फिर सी चैरर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आ है, तो एक होर क्वेश्चन तुम्हें मैं देनी हूँ। इट वॉज बाय अ मिस्टेक, ठीक है, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, या फिर नो एरर। दो क्वेश्चंस ने, ठीक है स्टूडेंट्स, इदा दे आंसर मैनू कमेंट बॉक्स विच विद एक्सप्लेनेशन लिख के देने हैं। ठीक है, सो आर्टिकल्स ताड़ा चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस दे क्वेश्चंस तुसी गूगल तो या फिर जो भी बुक तुसी फॉलो कर रहे हो उन्हों देख के तुसी सारे क्वेश्चन ट्राई करने, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में दस सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से तुसी सानू डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, साड़ी हर डाउट ताड़ा क्लीयर किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के करांगे आपां शुरुआत नैक्सट चैप्टर तो। उदों तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर, थैंक यू।